हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति और शिव बरात आयोजन समिति और इंद्रपुर युग नवयुग समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ, आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा, आपको यहाँ के सुंदरकांड हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे आज के बच्चे। हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है, प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है, आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग लें, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं जो साधु संत आ रहे हैं उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार है। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच, तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन, 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राज्य में गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने का दावा किया गया, तो वही पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने हेमंत सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को ठप करने का आरोप लगाया है। इस स्कीम के तहत में जो बच्चे 12th पास करने के बाद में उच्च शिक्षा के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ये लोन क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया, इसमें जो ऐसे बच्चे जो कि पूरे देश में जो रैंकिंग होती है हायर सेकेंडरी होती है उसमें जो स्टूडेंट का रैंक है दो साल के अंतर तक होगा या डोमेन स्पेसिफिक डोमेन का इंजीनियरिंग या मेडिकल या तकनीक उनको ये सुविधा 4% सेंट्रल इंटरेस्ट रेट पर ये सुविधा उपलब्ध होगी और उनकी जो पढ़ाई के दौरान 3 से 4 साल का जो प्रोग्राम होगा उसमें उनको पैसा नहीं देना है, उनको रिकवरी ईएमआई स्टार्ट नहीं होगी, जब उनका कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद से उनको ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट उनका स्टार्ट होगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन में वो 10 से 11% के आसपास का होता है, पर तो इसमें 4% सिंपल ब्याज दर पर ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें इंस्टीट्यूशनल फीस जो होती है इंस्टीट्यूशन की वो तो शामिल रहेगी, प्लस के साथ जो नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंडिचर होते हैं जो लिविंग एक्सपेंडिचर होते हैं उसका भी क्वांटम शामिल है। आज है उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा, परंतु हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें प्राइमरी सेकेंडरी में भी जाना चाहिए, क्योंकि सीधे छलांग लगा के करेंगे तो फिर दिक्कत है। जब शिक्षा विभाग की बात आती है ऐसे तो हर एक विभाग की बात में हम कर सकते हैं, लेकिन जब शिक्षा विभाग की बात आती है तो हमें ध्यान में आता है वो आप लूडो खेलते होंगे उसके पीछे में स्नैक गेम देते होंगे सांप वाला गेम, उसमें देखे कि जब हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहीं सीढ़ी मिल जाता है तो चेहरे में एक खुशी आती है और बढ़ते बढ़ते जब हम सीधे 98 में पहुंचते हैं क्योंकि वहां पर सबसे लंबा सांप बैठा रहता है आपको काटने के लिए, तो वहां से सीधा नीचे आ जाएंगे और उस समय जो भी खेल रहे हैं उनका चेहरा देखने के लायक होता है। इसलिए हमने इस बात को कहा क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में हम झारखंड के लोगों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को ठप करने का कार्य हेमंत सरकार की है।
मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।